गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम चंडीगढ़ के लिए निकल गए कसौली से, वही सेम टाइम लग जाएगी 1.5 आवर। तो चंडीगढ़ में जाना है, चंडीगढ़ जा कर के फिर वहाँ पे होटल ओबेरॉय जाऊँगी। मैंने बहुत सुना है उस होटल के बारे में और अब सभी को भी दिखाऊँगी। हाँ जी, हम पहुँच गए चंडीगढ़ दी ओबेरॉय में, और ये न्यू चंडीगढ़ में है, इसलिए हमें कसौली से यहाँ पे पहुँचने में 2 घंटे लग गए। और ये आप देख सकते हो, काफ़ी अंदर तक ऐसे ही रोड है, रिसॉर्ट से अंदर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है। और यहाँ पे कॉस्टली है रूम काफ़ी, हम यहाँ पे रहने नहीं आए हैं, यहाँ पे जस्ट लंच करके फिर हम घर जाएंगे। तो मैं आपको सभी को दिखाऊँगी। Hi guys, we are here at Oberoi Sukh Villa Chandigarh, and this property is really beautiful. I'll show you. ये बहुत ही beautiful property है, यहाँ पे आप आ सकते हो गेटअवे के लिए, शॉर्ट स्टेकेशन, और अगर कोई बाहर से आ रहा है तो आप सबको पता ही होगा Oberoi की properties काफ़ी अच्छी होती है। This is also one of the best property. गाइस, दी ओबेरॉय की ये लॉबी एरिया है, और ये यहाँ पे खड़ी है सबको स्वागत करने के लिए। और इनके इंटीरियर आप देख पा रहे हो कितनी अच्छी है। और ये राइट साइड में रिसेप्शन एरिया है, और मैंने ये होटल के बारे में काफ़ी सुना। गाइस, दी ओबेरॉय में ये आनंद महल रेस्टोरेंट है, ये यहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस रेस्टोरेंट है, और ये अभी तक ओपन नहीं हुआ है क्योंकि और भी 1/2 आवर हमें वेट करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा अंदर जा कर के देख लूँ कैसे क्या है। अच्छा जी, यहाँ पे ना बैंगल्स कस्टमाइज़ करके दे रहे थे, तो हमने यहाँ से कस्टमाइज़ करवाया बैंगल्स, और कलर भी काफ़ी अच्छे थे तो बहुत ही पसंद आया। देख ही पा रहे हो गाइस, ये देखो मुझे ये क्या दिखे, ये घोड़ा है घोड़ी है, आई रियली डोंट नो। मुझे इनके ये जो क्यूट से इन्होंने जो चोटी सा बांध के रखा है ना, ये मुझे बहुत क्यूट लग रहा है। आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि ये इनको क्या कहते हैं। और यहाँ पे बहुत ठंड भी है, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है, यहाँ पे दिल्ली से ज़्यादा है या कम है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, शाम को शायद और ज़्यादा होगी। ये प्रॉपर्टी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर, मुझे तो बहुत पसंद आई। आई शो यू, द बेस्ट प्लेस फॉर अ गेटअवे और स्टेकेशन। अगर कोई चंडीगढ़ रहता है तो यहाँ पे आप आ सकते हो रहने के लिए, और अगर कोई दिल्ली रहते हैं तो दिल्ली से भी इट्स नॉट दैट फार, यू कैन कम हियर। हाँ जी, ये व्यू देख लो कितनी प्यारी, कितनी ब्यूटीफुल है। और जैसे हम जयपुर में गए थे ना, वहाँ पे जो था लीला पैलेस, कुछ हद तक वैसे ही मुझे लग रहा है। और ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप अंदर भी बैठ सकते हो और आप बाहर भी बैठ सकते हो। और ये बैंगल्स वाला है जो मैंने आप लोगों को दिखाई दी, इनके पास सारे कलर्स के बैंगल्स हैं। आप यहाँ पे आके कोई भी किसी का भी नाम आप कस्टमाइज़ करा सकते हो, आपको जैसे चाहिए आप ले सकते हो। और ये पापेट शो, अच्छा जी, मैं ना चलते चलते थोड़ी दूसरी तरफ आ गई थी, और मुझे अभी मैं बिल्कुल गुम हो चुकी हूँ सच में, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि एग्ज़िट कहाँ से है। थोड़ी सी भुलभुलैया जैसे है ना मूवी में जो दिखाया था, वैसे टाइप के मुझे लग रहा है। चलो ये शायद है, और हाँ जी ये है बाहर के, मतलब ये भी दूसरे साइड से ही है।
मेन एंट्रेंस नहीं है ये, तो ये बाहर की व्यू है। ये मुझे लग रहा है जयपुर में जहाँ गए थे हम लीला, और बड़ा कि सारी प्रॉपर्टी तो वैसे सेम ही होती है, ये भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और अच्छा जी, शाम हो चुकी है और हम आए थे लंच करने, बट हम लंच नहीं कर पाए क्योंकि हम लेट हो गए थे, और हमने सोचा कि उन्हें डिनर करके चलते हैं। तो ये शाम का नज़ारा आप देख सकते हो, और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो हमने कपड़े भी डाल लिए थे, और अभी डिनर करके फिर जा। गाइस देखो यहाँ पे कितने सारे सुंदर सुंदर फूल हैं, और जहाँ पे भी मैं देखती हूँ ना फ्लावर, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हर जगह फ्लावर ही फ्लावर है। गाइज ये देखो अगेन फ्लावर्स, यहाँ पे रोजेस है, सनफ्लावर है। एज़ यूजुअल फ्लावर्स मेरे बहुत फेवरेट है, इसलिए मैं जब भी फ्लावर्स देखती हूँ मैं भूलती नहीं हूँ उसको शूट करने के लिए। और यहाँ पे ये देखो बहुत क्यूट सा एक क्रिसमस हाउस बना रखा है इन्होंने यहाँ पे। आई एग्जैक्टली डोंट नो ये है क्या, ये शायद कोई शॉप है जहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सेल कर रहे हैं। ये देखो सांता क्लॉज, बहुत क्यूट सा घर है ये। यहाँ पे आई थिंक ये कुकीज़ गिफ्ट्स काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सेल हो रही है, बट इट्स माय बैड लक कि अभी ये शॉप क्लोज्ड है, वरना है तो बहुत क्यूट। इनके पास काफ़ी सारे क्यूट क्यूट चीज़ें हैं अंदर गिफ्ट्स के लिए, आप देख ही पा रहे हो। मुझे ना ऐसे शॉप बहुत क्यूट लगते हैं, आई विश ये ओपन रहता।